तो मैंने आपसे कहा था कि मैं पानी पे चलूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कमिंग वीक ये सब फ्रीज हो जाएगा, मैं वो सामने चल के जाऊंगा। यहाँ की जो बर्फ है इट इज मोर देन 5 सेंटीमीटर्स थिक। यहाँ पे मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ, मैं रिस्क नहीं लूंगा। आई बी ऑनेस्ट विद यू, ये तो पागल है। Ice skating mean for Dutch people? Ice skating. Culture. Ice skating is everything. It's really everything. I mean, when was it the last time that it was here frozen? I think about 10 years ago. Maybe less. 8 years ago. Eight years ago. Typical Dutch. This is the very best. This is, especially in this time with COVID, everything. This is everything. Amazing. But you mentioned COVID, but no one is wearing masks beside me. Yeah, but what is COVID? What is COVID? No. We are ice skating. Distance. No mask, distance. Okay, that's true. Okay. That's amazing. Thank you very much. Yeah. For when on YouTube? देखा आपने? यानी कि सिर्फ हम पाकिस्तानी हम पागल हैं, लेकिन डच लोग हमसे कम पागल नहीं है। देखे वो कहते हैं COVID क्या है? Bloody what the hell is COVID यार? महीनों घरों में बंद रहने के बाद आज डच लोग बाहर निकले हैं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए आइस स्केटिंग करके। जैसे कि आपने इंटरव्यू में सुना, आइस स्केटिंग डच लोगों के डीएनए में है और बचपन से ही माँ बाप बच्चों को स्केट्स पर खड़ा कर देते हैं। गर्मियों में यहाँ का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। दर्जनों सेल बोट्स ने इस झील को सेहरा बना के सजाया होता है, लेकिन हम वापस चलते हैं सर्दियों में जहां हम आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। What does ice skating mean for Dutch people? It's part of your DNA. It's a must do. Must do. But I mean, explain to Indians and Pakistanis who are watching this. So what happens? It starts to become colder. Okay. Everybody starts to look for their skates. Okay. And once it's getting really, really, really cold, everybody gets nervous. Everybody wants to get out of the house as soon as possible. Work doesn't matter anymore. It's about getting back on the ice. Amazing. And doing these kind of things. All right. So it's fun. Enjoy yourself. Thanks. You too. Bye-bye. Thank you. Bye. और अगर आप अल्लाह ना करे आइस स्केटिंग से बोर हो जाते हैं तो जनाब सेल को सेल बोर्ड से उखाड़ के उसके नीचे आप आइस स्केट्स लगा लें एंड आप आइस स्केटिंग कर सकते हैं, या आइस याटिंग भी कहते हैं इसे। अभी मैं किसी से पूछने की कोशिश करता हूँ इफ दे अग्री टू गिव मी इंटरव्यू, ये जो आइस सेलिंग कर रहे हैं। भाई मुश्किल काम है, हर कोई नहीं मानता, लेकिन चले लेट मी ट्राई। पूछने में क्या जाता है। फॉर यू गाइस, आप लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आई विल डू माई बेस्ट टू एंटरटेन यू। यार मैंने सोचा कि काफ़ी नज़दीक है, मुझे ऐसे घूम के नहीं जाना पड़ेगा टूवर्ड्स द विंड मिल्स, लेकिन फासला काफ़ी लंबा है जनाब। थक गया हूँ मैं, वैसे भी ऐसे आइस पे चलना बहुत मुश्किल है। दो स्टेप आगे एक स्टेप पीछे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया हूँ। मेरे पीछे दो अमेजिंग विंड मिल्स हैं।
मेरी कैसे भाई से बात हो रही है, इन्होंने कहा है कि जियो टीवी पे हॉलैंड के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे आइस स्केटिंग की जा रही है कैसे भाई बताएं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, मैंने अभी देखा है जियो एयरलाइन में बता रहे थे कि वहाँ पे अभी स्केटिंग कर रहे हैं लोग, फैमिली एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा चले, मैंने किसी को राजी कर लिया है इंटरव्यू देने के लिए, और ये हजरात सेल बोट के नीचे आइस स्केट्स नहीं लगाते, गर्मियों में ये सर्फिंग करते हैं और सर्दियों में सेल को उतार के हाथ में पकड़ के स्केटिंग करते हैं। और ये जो सेल इन्होंने पकड़ी हुई है इसकी वजह से और स्पीड पकड़ते हैं। ओके हाय, हाउ आर यू? आई एम वेरी नाइस, आई एम वेरी गुड टुडे। कैन यू, व्हाई आर यू फीलिंग गुड टुडे? Look at the sunshine, we have ice, we have wind. It's too cold. No, it is not cold. It's perfect. If you act and you do something, then you're... But what are you doing? I mean, what is this? This is ice surfing. Ice surfing? Yeah. You take the spoon of your mom, you put it underneath. Okay, but this is normally on a sailboat. Yeah, this is normally on a surf... On a sailboat. Surf. It's a wind surfboard. Wind surfboard. You take the sail, you take your skates, and off you go. All right, but what does ice skating or ice surfing mean for Dutch people? Can you explain that to me? It's just fun. It's going fast, enjoying the wind. But I've heard it's in the DNA of Dutch people. It is, of course. You know, when we have winter, finally we have a good winter again. For 7 days in a row, we are snow kiting, we are ice skating, we are playing ice hockey. Because all over the world, they are showing that Dutch people are ice skating and they are having time of their life. Yeah, right. But because it's getting so rare now, because of the global warming, we don't have so much ice anymore. We even enjoy it more than we used to do it. But how old were you when you first started skating? Three or something. You are 3 years old? Yeah, of course. You know, every child here learns how to skate. So, amazing. You know, thank you. Fun. Yeah, amazing. Yeah? Thanks a lot. Enjoy yourself, man. Thank you. Okay, bye-bye. मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदा हाफिज। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आइस स्केटिंग की विंटर सीजन की सीरियल हॉलैंड की अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये मेरी हॉलैंड की सीरियल कैसी लगी।